सैंपल सर्वे में आज हम लोग लाहिरी मेथड ऑफ सिलेक्टिंग सैंपल देखने वाले, ठीक है। देखिए हमने आपके लिए लिख दिया है, हमारा बोर्ड बहुत ही छोटा है तो थोड़ा सा एडजस्ट करके पढ़ना पड़ेगा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहले आपको क्या समझना है, देखिए यू मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन को डिनोट करता है, ठीक है। इसके बाद आता है वाई जिसको स्टडी वेरिएबल है, एक्स ऑक्सिलरी वेरिएबल, ये आपको पता है पीपीएस के हिसाब से, पीपीएस मतलब प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शन टू साइज, जहां पे हम दो मतलब दो वेरिएबल काम करते हैं, एक होता है स्टडी वेरिएबल जो हम स्टडी करना चाहते हैं और एक होता है ऑक्सिलरी वेरिएबल जो है एक्स, ठीक है, जिसके बेसिस पे हम स्टडी वेरिएबल को स्टडी करते हैं। अभी देखिए, अभी मान लीजिए एम है, ठीक है, एम क्या है, मैक्सिमम ऑफ एक्स आई, मतलब एम जो होगा वो एक्स आई से बड़ा होगा, मैक्सिमम एक्स आई से बड़ा होगा। अभी आप ऐसा समझिए, जो ऑक्सिलरी वेरिएबल है वो सबके लिए अलग अलग होगा, सभी सैंपल्स के लिए। मान लीजिए हम ऐसे कन्वेंशन के लिए हम पांच, जो मतलब पॉपुलेशन में पांच है तो पांच का हम देखते हैं। तो मान लीजिए एक मतलब पांच में से एक का जो फर्स्ट सैंपल है यू वन, उसका जो स्टडी वेरिएबल है वो फाइव है, दूसरे का सेवन है, तीसरे का एट है, एक का सिक्स है, एक का नाइन है। तो इन सब में जो हाइस्ट है नाइन है, तो हमने क्या किया, हमने यहां पे जो हम एम लेंगे, या तो हम चाहे वो नाइन ले सकते हैं जो पांचों में सबसे बड़ा था, या नाइन से एक बड़ा नंबर कन्वेंशनली हम ले सकते हैं, ठीक है, वो हमने ले लिया। अभी देखिए फॉर आई वन टू एन, मतलब जो सभी सभी जो मतलब पॉपुलेशन में जो यहाँ पे सभी सबसे बड़ा जो एक्स आई होगा उससे भी एक बड़ा नंबर हमें लेना है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग सैंपल इज एज फॉलो, तो देखिए यहाँ पे सैंपल के स्टेप लिख दिए, तीन स्टेप है। पहला स्टेप देखिए, सिलेक्ट अ पेयर ऑफ रैंडम नंबर I एंड J, वेयर I वन टू N एंड J वन टू M, ठीक है। हम यहाँ पे दो रैंडम सैंपल ले रहे हैं, एक I और एक J। अभी आप यहाँ पे थोड़ा वीडियो पॉज कीजिए और मुझे बताइए कि I किसके लिए ले रहे हैं और J किसके लिए ले रहे हैं। अगर आपने ध्यान से यहाँ तक देखा होगा तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। देखिए I जो है वो हम ले रहे हैं स्टडी वेरिएबल के लिए, जिसे देखिए वन से लेके एन है, और ऑक्सिलरी वेरिएबल के लिए हम वन से लेके एम ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमने ग्रेटर एक्स आई के लिए हमने एम लिया था, तो जे जो है वो ऑक्सिलरी वेरिएबल के लिए। तो देखिए स्टेप टू देखिए, आ यूनिट विल बी सिलेक्टेड इन एनी टाइल और ड्रॉ इफ आई यूनिट विल बी सिलेक्टेड इफ आई लेस देन इक्वल टू एक्स आई, मतलब आई यूनिट तभी सिलेक्ट होगा। मान लीजिए हमें आई हमने एक चूज कर लिया, ठीक है, वो स्टडी वेरिएबल का है, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग जो एक्स आई है वो जो हमने वेरिएबल चूज किया है जो जे, उससे अगर बड़ा हुआ या इक्वल हुआ तभी आई यूनिट जो है वो सिलेक्ट होगा, ठीक है। और नो यूनिट विल बी सिलेक्टेड इफ द ट्रायल इन द ट्रायल इफ जे ग्रेटर देन एक्स आई, ठीक है। उसको आप कंफ्यूज करें तो आपको हम एग्जांपल से देते हैं। मान लीजिए हम ऐसे ही रैंडमली हम यहां पे लिखते हैं कि जो वाई टू है उसका वाई का वैल्यू है फाइव और यहाँ पे जो वैल्यू है वो है सेवन, ठीक है। अभी आपने एक पेयर चूज किया, पेयर मान लीजिए आपका जो पेयर आया वो आया ऐसा कि पहला है यहाँ पे फाइव और दूसरा जो है वो है एट, ठीक है। तो देखिए फाइव जो है वो आईथ यूनिट है, आई यूनिट विल बी सिलेक्टेड इफ जे, जे हमारे यहाँ पे क्या एट है, लेस देन और इक्वल टू एक्स आई, एक्स आई क्या था वो सेवन था, तो ये जो पेयर है वो सिलेक्ट नहीं होगा, मतलब हम सैंपल में इंक्लूड नहीं करेंगे। अभी देखिए आप दूसरा एक ड्रॉ कीजिए, ठीक है, दूसरा ड्रॉ में क्या मिला आपको, फाइव और यहां पे हमें मिला टू, ठीक है, सैंपल साइज टू मिला। तो देखिए यहां पे जो सैंपल है फाइव जो है सिलेक्ट हो जाएगा, क्यों, टू जो है वो सेवन से छोटा है, मतलब आपने मतलब मान लीजिए वन से लेके एन तक आपका एक नंबर आया, ठीक है, तो आप वो यूनिट को तभी सिलेक्ट कर सकते हैं जब उसके करस्पॉन्डिंग जो हम रैंडम पेयर चूज करें उस वो एक साइज से उसके ऑक्सिलरी वैल्यू से छोटा होगा, जिसके कारण हम ये सैंपल हम यहाँ पे चूज नहीं कर पा रहे पर इसको हम चूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने ऐसे एक रैंडम मतलब आपको एग्जाम्पल दिया आपको समझाने के लिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये कंडीशन कैसे काम करे समझ में आया कि आई यूनिट तभी काम करेगा जो उसका करस्पॉन्डिंग जे है वो यहाँ पे जो एक्स आई है इससे छोटा होगा, यहाँ पे बड़ा हो रहा था इसीलिए हम इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सो आर टाइल रिजल्ट एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑफ एनी यूनिट, ठीक है, तो ऐसे हम एक टाइल में यूनिट को सिलेक्ट कर भी सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं।
स्टेप थ्री क्या है, टू गेट अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज एन, द प्रोसेस रिपीटेड अंटिल एन यूनिट आर सिलेक्टेड। आप यहाँ पे एक चीज नोट करेंगे क्या कि इस मेथड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि इसमें रिजेक्ट होता है, तो हमारा जो हमने काम किया है वो मतलब टाइम वेस्टिंग होता है, ठीक है, बस यही ड्रॉबैक है। अभी आप यहाँ पे देखिए, मान लीजिए एक प्रोबेबिलिटी है पी आई स्टार, क्या है प्रोबेबिलिटी दैट आ टाइल रिजल्ट सिलेक्ट द सिलेक्शन ऑफ आईथ यूनिट, एक टाइल में आईथ यूनिट सिलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो देखिए इसमें देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ वन आई एन, मतलब जो वन गेट लेस देन इक्वल टू आई लेस देन इक्वल टू एन इन टू प्रोबेबिलिटी ऑफ आई लेस देन इक्वल टू जे लेस देन इक्वल टू एक्स आई गिवेन आई आई यूनिट सिलेक्ट हुआ है। तो देखिए यहाँ पे आई तीनों सिलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, वन वन से लेके एन तक है, उसमें से एक यूनिट है, ठीक है, तो वन बाई एन हो गया। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्स आई जो वैल्यू है बाई एम, ठीक है, जो एम है उससे वो प्रोबेबिलिटी है कि सिलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी। और देखिए यहाँ पे क्यों लिया है, प्रोबेबिलिटी दैट अ टाइल रिजल्ट नो सिलेक्शन, नो सिलेक्शन कब होगा, वन बाई एन तो वैसे ही रहेगा कि यहाँ पे आई यूनिट सिलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी। सेकंड देखिए जो जे होगा वो एक्स आई से बड़ा होगा, मतलब एम माइनस एक्स आई, एम के जो मतलब एक्स आई के अलावा जो एम में बाकी वैल्यू है, यहाँ पे हमने मान लीजिए एम जो है वो टेन है, तो हम वन से लेकर टेन तक ले ही सकते थे, पर जो एक्स आई है वो हमारा क्या था, वो सेवन था, तो जो वो एम माइनस एक्स आई बाई एम ये हो गया। तो देखिए यहाँ पे समेशन है, ठीक है, तो वन बाई एम यहाँ पे देखिए इंटू करें, यहाँ पे समेशन है तो यहाँ पे एम एन हो गया, और यहाँ पे देखिए समेशन एक्स आई। देखिए आपको अगर कहीं पे कंफ्यूजन आ सकते हैं मेरे नोट में तो वो आएगा यहाँ पे, क्यों देखिए हमने समेशन एक्स आई का हमने यहाँ पे एक्स लिखा, आपको दिमाग में आ सकता है कि एक्स कैसे आया, देखिए एक्स मतलब ये पूरा ऑक्सिलरी सैंपल, इसीलिए हमने एक्स से डिनोट किया, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज करने की कोई बात नहीं है। हमने हर जगह पे भी जहां पर भी हमें कंप्लीट ऑक्सिलरी वेरिएबल का सेट दिखाना था तो हमने एक्स से डिनोट किया, ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, समेशन होगा तो यहाँ पे हमने इसीलिए एक्स लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वन, यहाँ पे वन आ गया और माइनस वन बाई एक्स एम। अभी देखिए मान लीजिए प्रोबेबिलिटी दैट आई यूनिट विल बी सिलेक्टेड एट एनी ड्रॉ व्हिच कंसिस्ट ऑफ द इनफाइनाइट टाइल, मतलब क्या है कि इनफाइनाइटली हम चूज करें, मतलब इंक्लूजन प्रोबेबिलिटी वो देखिए। अभी देखिए ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट ड्रॉ में आई तीनों सिलेक्ट हो जाए तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ आई स्टार जो ई है, ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट टाइम में फेलियर होगा सेकेंड टाइम में चूज हो जाएगा, ठीक है, या हो सकता है कि दो बार फेलियर होगा इसके बाद थर्ड टाइम चूज हो जाएगा, ऐसा क्या इनफाइनाइट सीरीज है, तो ऐसा इनफाइनाइट सीरीज में से आप पी आई स्टार कॉमन ले लीजिए तो क्या होगा, वन प्लस क्यू प्लस क्यू स्क्वायर डॉट डॉट। इसके बाद देखिए ये जो है एक सीरीज आ रहा है, ये कौन सा है, वन माइनस क्यू इनवर्स का सीरीज है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पी आई का वैल्यू हमें पता है, ठीक है, पी आई का वैल्यू हमें हमने लिख दिया है एम एन एक्स आई और वन माइनस क्यू इनवर्स, देखिए तो वन माइनस तो ई वन और ई वन कट गया और यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया और इनवर्स मतलब ये जो है वो एम एन जो है ऊपर आ गया बाई एक्स, ये एम एन एम एन कट गया तो एक्स आई बाई एक्स, ये क्या है, ये है पीपीएस का इंक्लूजन प्रोबेबिलिटी। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हमें पता चल गया कि लाइडी मेथड से भी हम पीपीएस सैंपल जेनरेट कर सकते हैं। तो देखिए ये जो है अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो बहुत आसान है, पहले हमने लिखा कि पॉपुलेशन क्या है, यू से डिनोट करते हैं, स्टडी वेरिएबल वाई से डिनोट करते हैं, ऑक्सिलरी वेरिएबल एक्स से डिनोट करते हैं। हम यहाँ पे क्या करें, पहले एक एम लिए जो यहाँ पे सबसे बड़ा जो एक्स आई है उससे बड़ा या उससे इक्वल होगा, ठीक है, इसके बाद हमने प्रोसेस स्टार्ट किया। हम क्या करें, एक पेयर ऑफ आप पेयर ऑफ रैंडम नंबर ले रहे हैं आई और जे, आई ले रहे हैं स्टडी वेरिएबल के लिए, जे ले रहे हैं ऑक्सिलरी वेरिएबल के लिए। इसके बाद हम देख रहे हैं कि कब यूनिट सिलेक्ट होगा या सिलेक्ट नहीं होगा। देखिए आई यूनिट विल बी सिलेक्टेड इफ जे लेस देन इक्वल टू एक्स आई, तो देखिए हमने एग्जाम्पल के लिए क्या लिया था, वाई का जो वैल्यू है वो 5 है और उसका एक्स आई 7 है, तो हमने पहले एक लिया था 5 8 5 8 सिलेक्ट नहीं होगा, क्यों, यहाँ पे जो देखिए जे है वो एक्स आई से बड़ा हो रहा है तो यहाँ पे सिलेक्ट नहीं होगा, पर 5 2 वो सिलेक्ट हो सकता है, कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो जे है वो एक्स आई से छोटा है, मतलब 2 जो है वो 7 से छोटा है,
तो ये वाला जो सैंपल है वो चूज होगा पर ये वाला सैंपल नहीं होगा, ठीक है। इसको हम एन टाइम रिपीट करेंगे तो आपको एन सैंपल आ जाएगा। वैसे ही प्रोबेबिलिटी देखिए, प्रोबेबिलिटी आर टायर रिजल्ट ऑफ सिलेक्शन ऑफ आई यूनिट सिलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी क्या है आर टायल में। तो देखिए यहाँ पे 1/n जो आई यूनिट का है, और यहाँ पे देखिए xi बाई m m में से xi, ठीक है। वैसे आपने यहाँ पे नो टायल का लिखा था और इंक्लूजन प्रोबेबिलिटी का। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में, वीडियो में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट से पूछिए, हम आपके डाउट क्लियर करने की, आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आप इसको फेसबुक में देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।